हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में सीबीटी एमबीए 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अदर सेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। रीजनिंग में जो है आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एंड सारे क्वेश्चन पेपर जो है ना रैंडम है, ठीक है, सेक्शन वाइज नहीं है। लैंग्वेज के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन टोटल मिक्स हैं। रीजनिंग के आपके 23 क्वेश्चन है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन है, लैंग्वेज के 32 क्वेश्चन है एंड डीआई के 10 क्वेश्चन है। ये सभी कुछ मिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। चलिए देन क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर वन जो है ये 13 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दिया गया है। पूछा गया है हु इज द सन ऑफ एफ, क्या क्या दिया गया है कि ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन, ठीक है। ए इज फादर ऑफ सी, देखिए कभी भी जब एक जनरेशन का गैप हो ना तो इस तरीके से लाइन बनेगी, सेम जनरेशन हो तो इस तरीके से बनेगी। तो ए इज द फादर ऑफ सी, ठीक है, और सी जो है ना ये सन नहीं है, तो सन नहीं है तो क्या होगी, डॉटर। तो फीमेल को माइनस से, मेल को प्लस से, ठीक है। फिर दिया गया है कि ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है ये सी की जो है डॉटर हो गई। नेक्स्ट दिया गया है कि एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, ठीक है, तो एफ जो है सेम जनरेशन है ना, ये इनकी वाइफ हो गई, ठीक है। देन बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, सेम जनरेशन, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ये वाइफ हस्बैंड हो गया, ये ब्रदर सिस्टर है, तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। क्या पूछा गया था, हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन है, बी, सिंपल, ये लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डाइस का, क्या पूछा गया है कि बाई फोल्डिंग द सीट शोन इन अबव फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें एक छोड़ के ये जो नंबर होते हैं ना ये अपोजिट नंबर होते हैं, तो टू और फोर ये अपोजिट हो जाएंगे, फिर ये वन और सिक्स ये अपोजिट हो जाएंगे, और ये फाइव और थ्री यही बच गया ना, तो फाइव और थ्री अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये अपोजिट हैं तो ये कभी एक साथ नहीं हो सकते, और ये जो ऑप्शन में दिया गया है ये सब एडजेसेंट है, ठीक है, सब साथ में है, तो देखिए क्या फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी दिया गया विच कैन बी फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 6 1, ये कभी साथ में नहीं हो सकते, और देखिए यहाँ पे 6 और 1 ये अपोजिट है और यहाँ पे साथ में है ये, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, जो अपोजिट है वो साथ कैसे होंगे। नेक्स्ट क्या है, 1 3 5, ये देखिए 3 और 5 अपोजिट है और यहाँ पे ये साथ में दिया है, तो ये भी नहीं होगा। 2 6 4, तो ये देखिए 2 और 4 अपोजिट है लेकिन यहाँ पे 2 और 4 क्या दिया गया है, साथ में दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 4, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 34 है। ये सब कुछ ऐसे रैंडम दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लास्ट ईयर जबकि ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है कि विच ऑप्शन विल कंप्लीट द इवेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच आई, देन यहाँ पे क्या होगा जे, फिर ये सेकंड देखिए डी ई एफ जी एच आई जे के, देन यहाँ पे क्या होगा एल, तो जे और एल कहीं है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 3 5 15, 2 4 8, मतलब 3 × 5 15, 2 × 4 8, एंड 4 × 6 24, ये क्या हो जाएगा, JL 24, ऑप्शन 1, सिंपल था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें जो है आपसे नेक्स्ट फिगर पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये फिगर ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, फिर यहाँ पे सर्कल है, तो एक छोड़ के वाले में जो है एक फिगर छोड़ के आप देखेंगे तो उसमें ये सर्कल जो है फॉर्म है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, जो नेक्स्ट डायग्राम हमें देखना है वो इससे देखना होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको इस वाले पैटर्न को देखना है केवल, ठीक है, ये और ये, तो इसी के बाद आपको चेंज करना है, तो आप जरा बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए इसको अगर 90 डिग्री अगर हम रोटेट कर दें क्लॉक वाइज तो ये वाला डायग्राम कैसे हो जाएगा, अगर इसको आप 90 डिग्री अगर रोटेट कर देंगे तो ये वाला पोजीशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा,
ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको हम क्या करें, 90 डिग्री इसको अगर मूव कर दें, ठीक है, या इसको भी आप अगर 90 डिग्री मूव कर दें क्लॉकवाइज, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसी से हमें नेक्स्ट देखना है ना, क्या करें, इसको फिर 90 डिग्री इसको भी मूव करा दें। तो आप ये बताइए, इसको जब आप ऐसे क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए, जब आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज मूव कराएंगे 90 डिग्री, तो फिर ये क्या होगा, ये डॉट यहाँ पे चला जाएगा, ये चीज फिर ऐसे हो जाएगी। जरा ऑप्शन में देखिए, और ये है, इसे भी हमें क्या करना होगा, इसे भी 90 डिग्री मूव करना होगा। जब ये 90 डिग्री मूव करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगी इधर, तो ये फिर लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन है कहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सेम है ना, सिंपल था। एक चीज इसमें बस ये ध्यान देने वाली है, जैसे आप इसमें और इसमें रिलेशन देखेंगे, एक सेकंड के लिए इसको इरेज कर देते हैं, खुदा देखिए। अब आप देखिए क्या है इसमें, इसमें यहाँ पे सर्कल है, फिर यहाँ पे सर्कल है, ठीक। तो अल्टरनेट करके आप देख रहे हैं कि चेंजेस है, फिर इस डायग्राम में भी देखिए अल्टरनेट करके चेंजेस है। तो आप एक बार डिग्री देख लीजिए कितने का रोटेशन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे आएगा। ये सिंपल था ना, ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर वॉज फ्राइडे, देन विच विल बी द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। देखिए आपको बताया गया है कि जनरल ईयर में, जनरल ईयर मतलब जब 365 डेज का एक साल होता है, तो इसमें जो 1 जन है और 31 दिसंबर है, ये दोनों सेम होते हैं। अगर 1 जनवरी को मंडे है ना, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे होगा, लेकिन लीप ईयर में, ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो इसकी वजह से अगर 1 जन को जो है ना मंडे है, देन 31 दिसंबर सेम ईयर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा। तो लीप ईयर में अगर फर्स्ट डे को फ्राइडे है, देन लास्ट डे क्या हो जाएगा, एक दिन आ गया, सैटरडे। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, इसको देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, 2 है, 15 है, 4 है, 12 है, 6 है, 7 है, ठीक है, ऐसे इसको लिख लेते हैं। ये नेक्स्ट पूछा जा रहा है, तो देखिए ये क्या हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो 6 से क्या हुआ, 8 होगा। ये 15 से 12 -3, 12 से 7 -5, देन फिर क्या होगा, -7, ये 0 हो जाएगा, 8 एंड 0, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल था। सीरीज से टोटल जो है आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, इसमें देखिए ऑड वन फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए इसमें देखिए कौन सा ग्रुप जो है ना समथिंग डिफरेंट है, 2709, ठीक है, 3245, ठीक है। इसको देखिए, इसमें जो है ये जरा फर्स्ट 3 डिजिट ऐड करिए, 2 + 7 + 0 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसमें देखिए 1 + 3 + 1 5 आ रहा है, 3 + 2 5 + 4 9 आ रहा है। तो करना क्या है, और सभी में जब आप स्टार्टिंग के 3 नंबर ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो लास्ट वाला डिजिट आपको मिल जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखिए 8 + 3 + 1, तो ये 4 तो नहीं आएगा ना, तो ये पहला वाला डिफरेंट है, ठीक है ना, इसको टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। दिया गया है कि ए इज द वेस्ट ऑफ बी, ठीक है ना, ए जो है ये बी के वेस्ट में है, ठीक है। सी इज टू द साउथ ऑफ ए, तो जो ए है, ठीक है, सॉरी जो सी है ना, ये ए के साउथ में है, ठीक है। देन ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, जो ई है ये बी के नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया गया, एंड डी इज टू द ईस्ट ऑफ ई, तो जो डी है ना ये ई के क्या है, ईस्ट में। देन सी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो आप ये बताइए, यहाँ सी है, ये डी है, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, साउथ वेस्ट, सिंपल। इसको आप इस तरीके से भी कर लीजिए, ये पूरा ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है, ये आपका पूरा ऐसे होगा।
ऐसे आप बना लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब बताइए ये वाला जो है, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, साउथ वेस्ट, सिंपल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, क्या पूछा गया है कि विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है, सबसे पहले आई लिख लेते हैं। ठीक है, आई की नंबरिंग क्या होती है, 9, ये 9 नंबर पे आता है ना। विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, अब आप ये बताइए इसके फोर्थ में कौन आएगा। देखिए यहाँ पे हमने 8 लिख लिया, 7 लिख लिया, 6 लिख लिया, 5 लिख लिया। ठीक है, 5 का क्या मतलब हो गया, ई, क्योंकि यही तो है ना फोर्थ नंबर पे लेफ्ट में, 1 2 3 4। अब क्या पूछा गया था कि विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई। तो सबसे पहले आई का हमने, आई से जो है लेफ्ट में 4 देख लिया, कौन है, ई है। अब क्या पूछा गया है, इससे राइट में देखना है 16 पे, तो आप क्या करिए, इसे 16 ऐड कर दीजिए, तो 5 और 16 कितना हो जाएगा, 21। 21 की वैल्यू क्या होती है, यू, ऑप्शन 3, सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले 3 to 4 क्वेश्चन आए थे टोटल, इसको देखिए। दिया गया है कि द प्रॉब्लम ऑफ कंपनी ए, सॉरी ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ए इज क्वाइट बेटर इन क्वालिटी देन मच एडवर्टाइज प्रोडक्ट ऑफ कंपनी बी। ठीक है, ये देखिए एकदम सेम, ये क्लास में जो हमने क्वेश्चन कराया था वही सेम है, दिखाते हैं इसको। देखिए सेम क्वेश्चन ये आया, ठीक है, जो हमने क्लास में कराया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया है, इसको देखिए। दिया गया है कि द कॉफी पाउडर ऑफ कंपनी एक्स इज क्वाइट बेटर इन टेस्ट देन मच एडवर्टाइज कॉफी ऑफ कंपनी वाई। ठीक है, अब इसका एजम्पशन देखिए क्या दिया गया है, कि इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड यू स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये स्टेटमेंट से कहीं निकल के नहीं आना, कि अगर हमारा प्रोडक्ट खराब है तभी हम इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट के भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। नेक्स्ट, सम पीपुल आर टेम्पटेड टू बाई अ प्रोडक्ट बाई द एडवर्टाइजमेंट। देखिए स्टेटमेंट में दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ लोग जो है एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही चीजें खरीद रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है इम्पैक्ट करता है, सिंपल ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही है। ठीक है, पहला वाला कंफर्मेशन के साथ ये कह रहे हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप एडवर्टाइज करते हैं, ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं, ये स्टेटमेंट से कहीं निकल के नहीं आ रहा। यही सेम क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ कॉफी नहीं लिखा गया था, बाकी सारे क्वेश्चन सेम थे। देखिए क्या दिया गया, कि इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड यू स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट, कोई मतलब नहीं था, ये तो गलत ही हो जाएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है टोटल आई थिंक 2 या 3 आए थे क्वेश्चन, 3 में से 2 एकदम सेम टू सेम जो क्लास में कराया था वही आ गया। नेक्स्ट, सम पीपल आर टेम्पटेड टू बाय अ प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजमेंट, कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है कि स्टेटमेंट स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना उसी को टिक करते हैं। दिया गया है कि शुड गर्ल्स लर्न आर्ट लाइक जूडो एंड कराटे, यस इट विल इनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम रॉग एंड रफेंस। सेकेंड, नो दे विल लूज देयर फीमेल गेज, दूसरे वाले का कोई मतलब नहीं, जो स्ट्रांग आर्गुमेंट है वही सही होता है, ओनली आर्गुमेंट वन, यही स्ट्रॉन्ग है, यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, इसमें भी जो है आपको ऑड वन आउट, ये फाइंड आउट करना है आपको। क्या दिया गया है, 3 9 6 15, 6 18 12 13। ठीक है, देखिए ये देखिए 3 2 3, ये कितना हो रहा है, 9। ठीक है, फिर 3 2 2 कितना हो रहा है, 6, 3 5 कितना हो रहा है, 15। ठीक है, चलिए दूसरे वाले में देखिए, 6 into 3 18, एक ही से देख लेते हैं, या चलिए करके ही बता देते हैं, 6 into 3 18 हुआ, 6 into 2 12 हुआ, और 6 into 5 क्या हुआ, 30 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये 4 है, अब ये देखिए 4 into 4 करना पड़ रहा है,
यहाँ पे इंटू थ्री है, यहाँ पे भी इंटू थ्री है। आखिरी वाले में देखिए, 12 इंटू थ्री 36, 12 इंटू टू 24 और 12 इंटू फाइव 16। सभी में क्या हुआ है, इंटू थ्री इंटू टू इंटू फाइव, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ये वाला डिफरेंट है। यहाँ पे क्या फॉल हो रहा है, पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से होगा, फिर 6 से होगा, तो ये डिफरेंट है। ऑप्शन 3 को जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। दीपक ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ गया, देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है, तो ये इस तरीके से आप मूव करिए, राइट गया था तो ये क्लॉकवाइज इधर जाता, एंड अगेन ट्रेवल टू हिज लेफ्ट 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट आता है कितना, 4 किलोमीटर। क्या पूछा गया, ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से 3 किलोमीटर गया। ठीक है, हाउ फार डिड ही ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ इनिशियली, तो आप ये बताइए, जब ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर, यही डायरेक्शन तो नॉर्थ में गया है ना, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द बेस्ट। ठीक है, देखिए दिया गया वेजिटेबल ब्रिंजल मीट, तो अगर ये हम वेजिटेबल कह दें इसको, तो इसी वेजिटेबल के अंदर ये ब्रिंजल आ जाएगा, ठीक है, और मीट तो अलग हो जाएगा ना, तो ये फिर मीट हो गया, तो ऑप्शन 1 ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो है ना, एनटीए ने ऑप्शन ये तीसरा वाला दिया है, ये भी देखिए सही है। अब एयर है, नाइट्रोजन है, तो देखिए ये आपका एयर हो जाएगा, ये इसके अंदर नाइट्रोजन हो जाएगा और आइस डिफरेंट हो जाएगा, तो ये पहला वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, लेकिन एनटीए ने जो है तीसरे वाले को टिक किया है, ए भी तो हो जाएगा ना इस तरीके से, तो इसको जो है इसको क्लेम किया जा सकता है। ठीक है ना, इसको देख लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 74। अब ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, 2, 6, 18 और 54, आपसे 8 कम पूछा जा रहा है, ये देखिए ये चार जो है 5, 6, 7, 8। अब जो है यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, 2 इंटू 3, 6, 6 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है, एक काम करते हैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते, इंटू थ्री कर देते हैं, तो ये केवल यूनिट, तो केवल जो है ना यूनिट डिजिट देखिए, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 3 क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, फिर इंटू थ्री करिए, 3 इंटू 6 होगा, फिर इंटू थ्री करिए, 18 होगा, फिर इंटू थ्री करिए, तो ये क्या होगा, लास्ट में 4 आएगा। अब देखिए लास्ट में 4 है क्या, कहीं दो जगह, ठीक है, अच्छा दोनों में भी काफ़ी डिफरेंस है, चेक करते हैं इसको दूसरे तरीके से, अगर किसी में ऑप्शन केवल आखिरी में 4 होता ना यूनिट पे, उसको टिक कर दिया जाता। अब एक काम करते हैं, ये 54 है ना, इसको मान लेते हैं 50 है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं। 50 इंटू 3 कितना होगा, 4 बार हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 150, एक बार कर दिया, फिर इंटू थ्री कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 450, 2 बार कर लिया ना, मान लेते हैं ये 450 की जगह कितना हो गया, 500 ही इसको मान लेते हैं, फिर इंटू थ्री कर लीजिए, ये कितना हो गया, 1500, 3 बार मल्टीप्लाई हो चुका है, 4 बार करना है, एक बार और कर लिया, तो ये कितना होगा, 4500, तो ये कितना आया, 4500 के आसपास ही आ रहा है, 7000 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन 2 पे टिक कर दीजिए। एक चीज तो कंफर्म हो गया है ना कि आखिरी में 4 आएगा, तो ये दूसरे और चौथे में हमें टिक करना, उसके बाद देखिए इन दोनों में क्या है, काफी ज्यादा का डिफरेंस है, तो हमने क्या किया इस तरीके से कर लिया, दोनों अगर क्लोज होते देन फिर सॉल्व करते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो गोल्ड को जो है ये कैसे लिखा गया है, ओम लिखा गया है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये संस को कैसे लिखा जाएगा, तो आप ये बताइए ये क्या है, इसकी नंबरिंग क्या होती है, 7, 2 की नंबरिंग क्या होती है, 15, ये 12 पे है, ये 4 पे है, ये एच की नंबरिंग क्या होती है, 8, 15 और एम की क्या होती है, 13, 5। तो आप ये बताइए, ये 7 है तो 8 हो जा रहा है, 15 15 ही है, 12 से 13, 4 से 5, एक एक बढ़ रहा है, तो ये बताइए एस की वैल्यू क्या होती है, 19, एक बढ़ेगा ना, 20, 20 की वैल्यू क्या होती है, डी, फिर ओ है 15,
ये तो सेम ही रहना है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होती है? 14। एक बढ़ेगा तो क्या होगा? 15। 15 होगा तो ये भी क्या होगा? वही हो जाएगा। S19, एक और बढ़ना है 15। तो ये देखिए ऑप्शन तो सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81। ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, सेम क्लास का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। क्या दिया गया है कि सूट सीनियरिटी विद द ओनली क्राइटेरिया फॉर द प्रमोशन। सेम टू सेम यही आया हुआ है कि क्या प्रमोशन के लिए केवल सीनियरिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। आर्गुमेंट क्या है? यस, अदरवाइज सीनियर एम्प्लॉय डू फील ह्यूमिलेटेड। देखिए फीलिंग से यहाँ पे मतलब नहीं है। प्रमोशन के लिए जो है केवल सीनियरिटी ही मैटर नहीं करेगा, और भी बहुत सारे जो है फैक्टर जो है ये मैटर करते हैं। तो ये हम उनको प्रमोट कर दें क्योंकि वो ह्यूमिलेटेड फील ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, यस सीनियर एम्प्लॉय आर मोर एक्सपीरियंस एंड मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर द सेम। देखिए उनको और भी तरीके से उनको रिवॉर्ड दिया जा सकता है। हमें सपोज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो सीनियरिटी देखा जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, नेक्स्ट पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है कि नहीं। सपोज ये फाइनेंशियल सेक्टर है, अब हमें उसमें जो है डायरेक्टर पोस्ट के लिए हमें किसी को रखना है। अब सीनियरिटी में जो सबसे सीनियर पर्सन है उसके पास अगर वो एक्सपर्टीज ही नहीं है तो फिर उसको प्रमोशन देने का क्या मतलब? हम फिर डायरेक्ट बाहर से किसी को रिक्रूट कर लें, ठीक है ना? तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों ही जो है स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर बहुत ही जो है सिंपल था, आप लोग अच्छा करके आए होंगे। जो है ये आया है अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है। अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन सिंपल ही है, इसको देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन अरेंजमेंट के हैं। देखिए क्या दिया गया है कि पी क्यू आर एस टी एंड यू आर द 6th लेक्चरर इन अ कॉलेज, ईच टीचिंग अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, सारे सब्जेक्ट दिए गए, नॉट इन द सेम ऑर्डर, और 4 फीमेल लेक्चरर हैं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना, एंड यू। अब जो सब्जेक्ट पढ़ाता होगा सब्जेक्ट नेम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया कि क्यू टीचर्स हिस्ट्री, इनका जो है हिस्ट्री हो गया, ठीक है। नो फीमेल लेक्चरर टीचर्स बायो और मैथ्स, कोई फीमेल टीचर जो है बायो और मैथ्स नहीं पढ़ाती, ठीक है। एस हु टीचेस सोशियोलॉजी इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। अब देखिए एस जो है ना सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है, और यही सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। चलिए ओल्डेस्ट वाला क्राइटेरिया भी रखा जाएगा इसको। एस जो है ना सबसे सीनियर, ठीक है। नेक्स्ट, पी इज ओल्डर देन आर, पी जो है ये आर से ओल्डर है, ठीक है ना। एंड टीचर्स फिजिक्स, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको। द यंगेस्ट टीचर्स बायो एंड यू इज नॉट द यंगेस्ट, ठीक है। अब देखिए यू जो है ना यंगेस्ट नहीं है, ठीक है, और जो यंगेस्ट होगा वही बायो पढ़ाएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, टी टीचर्स मैथ्स, ये देखिए ये मैथ्स हो गया, एंड इज ओल्डर देन पी बट यंगर देन क्यू एंड यू, ठीक है। चलिए इसको देख लिया जाएगा क्या है, यहाँ पे भी हो गया। अब देखिए यही चीज रह गई है, यू जो है सबसे यंगेस्ट नहीं है और जो यंगेस्ट है वही बायो पढ़ा रहा है। देखिए दो ही रह गए थे, आर और यू। यू यंगेस्ट है नहीं तो ये बायो पढ़ाएगा नहीं, तो बायो पढ़ाएगा कौन? आर, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन सा रह गया है? आई थिंक ज्योग्राफी रह गया, तो यू क्या पढ़ाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो है मेल और फीमेल क्लियर करना है, फिर ये अरेंजमेंट वाला देखना होगा, ठीक है, कौन ओल्डर है। देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द ग्रुप कंप्राइजेस ओनली फीमेल। अब देखिए कौन फीमेल है इसमें, तो देखिए क्या है कि नो फीमेल टीचर्स बायो और मैथ्स, तो बायो और मैथ्स को जो है आप पढ़ा दीजिए, ठीक तो ये जो है ये फीमेल नहीं पढ़ा रही है, तो ये मेल हो गए, बायो और मैथ्स ये मेल हो गए, ठीक है ना। अब देखिए टोटल 6 हैं, 6 लेक्चरर हैं, इसमें से 4 फीमेल हैं, मेल 2 हो गए, बाकी सब क्या है? फीमेल है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द ग्रुप कंप्राइज ओनली फीमेल, तो फीमेल का ग्रुप क्या होगा? पी क्यू एस यू,
PQSO ऑप्शन नंबर 4 सिंपल था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सब्जेक्ट डज यू टीच, अभी आपने देखा ज्योग्राफी, ठीक है ना, यू का सब्जेक्ट क्या है, देखिए ज्योग्राफी, तो ये 92 भी हो गया। चलिए 93 देखते हैं, अब ये असेंडिंग ऑर्डर एजेस के हिसाब से इसको अभी देख लेते हैं। 93 देखिए, बायो कौन पढ़ाता है, तो बायो कौन पढ़ाता है आर, अभी हम लोगों ने देखा था, तो 94 का जो है ये भी हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, हु इज द यंगेस्ट लेक्चरर, तो देखिए क्या था आखिरी लाइन क्या लिखी गई थी यहाँ पे, देखिए यू जो है यंगेस्ट नहीं है, और जो यंगेस्ट है वो बायो पढ़ाता है, तो बायो कौन पढ़ा रहा था आर, तो यंगेस्ट लेक्चरर कौन है आप, सिंपल ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो अरेंजमेंट वाला, ठीक है, सीनियरिटी के बेसिस पे इसको देख लेते हैं, यही था ना। चलिए 93 क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, इफ ऑल द लेक्चर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ टू मेल लेक्चर, ठीक है, देखिए असेंडिंग में करना है, देखिए एस जो है ना ये सबसे बड़ा हो जाएगा, दिया था ना एस इज द ओल्डेस्ट, और यंगेस्ट सबसे कौन है आर, यही बायो पढ़ाता था, तो ये यहाँ पे हो गया। और क्या दिया हुआ था स्टार्टिंग में कुछ लिखा था ना हम लोगों ने, ये देखिए आर जो है, पी जो है आर से बड़ा है, तो इसको जो है ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पी टीचेस मैथ्स एंड इज ओल्डर देन पी बट यंगर देन क्यू एंड यू, तो देखिए ये जो है ना ओल्डर देन पी है, तो यहाँ पे टी हो गया, और Q और U का पोजीशन यहाँ पर जाएगा, या तो Q यहाँ होगा U यहाँ होगा, या फिर U यहाँ होगा Q यहाँ होगा, इसको हमें देखना ही नहीं है। अभी क्या पूछा गया है, पोजीशन ऑफ टू मेल लेक्चरर, अब आप ये बताइए मेल यहाँ पे लेक्चरर कौन है, R और T, ठीक है ना, R और T जो है यही मेल है, तो आप ये बताइए ये फर्स्ट पोजीशन T थर्ड पोजीशन, तो क्या पोजीशन होगी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3। तो पेपर टोटल सिंपल ही था, अरेंजमेंट से जो है 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ब्लड रिलेशन से एक ही क्वेश्चन था वो भी सिंपल ही था, डाइस से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया था एक ही था, नंबर सीरीज से जो है ये 3 से 4 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज से, स्टेटमेंट वाले जो है 3 से 4 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से केवल एक ही क्वेश्चन आया था, फिगर काउंटिंग से एक था, ठीक है, और डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे, मिसिलियस 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो रीजनिंग का पेपर जो है सिंपल था, 23 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, डीआई के 10 क्वेश्चन एंड 35 क्वेश्चन जो है ये मैथ्स के थे, ठीक है, और रिमेनिंग 32 क्वेश्चन जो है ये आपका लैंग्वेज।